हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिलेक्शन ट्रायल 2021-22 की सेंटर पटियाला। साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर पटियाला में जो है उसमें सिलेक्शन ट्रायल्स हो रहे हैं 2021-22 के लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम पाँच इम्पोर्टेंट बातें जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि साई में जो सिलेक्शन की डेट है, ठीक है, एंड स्थान, ठीक है, साई सिलेक्शन ट्रायल कब और कहाँ होंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि साई में सिलेक्शन ट्रायल जो हो रहे हैं वो कौन कौन से गेम के अभी होंगे, ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है कि साई में सिलेक्शन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगती है। साथ ही फोर्थ पॉइंट है, साई में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटी सुविधाएँ आपको वहाँ पर मिलेगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि आप साई कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप साई में जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बॉयज हॉस्टल पोलो ग्राउंड पटियाला, ठीक है, ये 3 दिसंबर 2021 का नोटिस है। फ्रेंड्स, अभी 6 से 7 दिन पहले हमने साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिलेक्शन ट्रायल गर्ल्स एंड बॉयज़ सेंटर हैदराबाद के लिए जो है वीडियो अपलोड की थी, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी प्लेयर्स का। क्या आप भी एक खिलाड़ी हैं? क्या आप भी आपका ड्रीम है कि आप भी साई जो है ज्वाइन करना चाहते हैं? आपका गेम क्या है एंड कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो? ये हमें आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स, खिलाड़ी या जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना टूर्नामेंट को लेकर, सिलेक्शन ट्रायल्स को लेकर हमें मिलती है तो हम आप लोगों तक अवश्य पहुँचाएँगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेक्शन ट्रायल्स है ये कब होंगे, तो 27 दिसंबर 2021 को ये स्टार्ट हो रहे हैं और 29 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट है, ठीक है, 2 दिन चलेंगे ये, 27 से 29 दिसंबर, ठीक है। कहाँ पर होंगे? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर पटियाला और पोलो ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। और ये डेट दी गई है कि इस डेट में जो है सिलेक्शन ट्रायल्स लिए जाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें हम कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें ताकि कुछ भी चीज़ें ऐसी छूट ना पाए जो जिसकी सूचना आप तक ना पहुँचे, ठीक है। तो साई ट्रेनिंग सेंटर पटियाला इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ साई एंड पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ प्रोवाइड मॉडर्न, ठीक है, प्रोवाइड मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी टू द अपकमिंग स्पोर्ट्स टैलेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स टैलेंट टू इनेबल देम टू एक्सेल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू अचीव दिस पर्पस एंड टू फिल द सीट्स सिलेक्शन फॉर द सेशन 21-22 विल बी हेल्ड। साई प्रशिक्षण केंद्र जो कि पटियाला में है, ये साई और पंजाब राज्य सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है, जो आगामी खेल प्रतिभाओं को, जो भी प्लेयर्स रहते हैं, उनको आधुनिक प्रशिक्षण देता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी, ठीक है, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है ताकि उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। सीटें जो हैं अभी जो सत्र है 21-22 के लिए चयन ट्रायल्स होंगे 27 से 29 दिसंबर में। गेम हम आपको बता दें, हॉकी है एंड फेंसिंग है, ठीक है, रेसिडेंटल गर्ल्स और यहाँ पर ब्लैंक है, और नॉन रेसिडेंटल मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स। रेसिडेंटल का मतलब यहाँ पर है आवासीय और नॉन रेसिडेंटल का मतलब है गैर आवासीय, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हम गेम्स हमने आपको बता दिया, डेट बता दिया कब और कहाँ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, ठीक है, दोस स्पोर्ट्स पर्सन हु बिलोंग परफेक्टली
प्रेफरेबली ठीक है टू पंजाब स्टेट एंड फुलफिलिंग द अंडर मेंटेनेंट क्राइटेरिया आर एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन ट्रायल. द सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू एज वेरिफिकेशन ठीक है मेडिकल फिटनेस एंड स्किल टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन एसटीसी बैटरी ऑफ टेस्ट. इसमें खिलाड़ी ठीक है खिलाड़ी जो अधिमानतः पंजाब राज्य से संबंधित हैं जो खिलाड़ी पंजाब राज्य से संबंधित है कुछ और नीचे उल्लेखित मापदंडों को पूरा करते हैं. कौन कौन से ये जो मापदंड हैं इनको अगर वो पूरा करते हैं ये भी हम देखेंगे तो वह चयन ट्रायल के लिए पात्र हैं. ये पात्रता एलिजिबल है या नहीं है चयन ट्रायल्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए ये यहाँ पर वो दिया गया है. चयन आयु सत्यापन ठीक है सबसे मेन है एज वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट चिकित्सा फिटनेस ठीक है और अनुशासन के कौशल परीक्षण जो कि स्किल टेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं ठीक है ये स्किल टेस्ट है. तो गेम्स कौन कौन से इंडिविजुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेकेंड है टीम गेम्स. तो एज ग्रुप क्या होना चाहिए आपका इंडिविजुअल के लिए 12 से 18 साल और 1 दिसंबर 2021 के पहले पहले आपको 18 साल होना चाहिए. परफॉर्मेंस मेडल इन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल स्कूल इंटर यूनिवर्सिटी. साथ ही टीम गेम्स के लिए आपकी एज जो है 10 से 16 साल होना चाहिए और 1 दिसंबर 2021 के पहले 16 साल ठीक है. और पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल कंपटीशन फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन. अगर आपका फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन लगा है तो स्टेट लेवल कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में ठीक है तो वो इसमें एलिजिबल है परफॉर्मेंस में सिलेक्शन ट्रायल्स देने के लिए. एज ग्रुप यहाँ पर ध्यान रखें. साथ ही आपके पास परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है फर्स्ट सेकंड पोजीशन होना चाहिए टीम गेम्स के लिए और या आपके पास मेडल होना चाहिए स्टेट लेवल स्कूल या फिर इंटर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट पर. आगे हम देखते हैं यहाँ पर द एथलेटिक ठीक है एथलेटिक ऑफ 20-21 सेशन आर रिक्वायर्ड टू गिव द ट्रायल्स फॉर 21-22 सेशन टू कंटिन्यू विथ द एसटीसी स्कीम. आफ्टर डेट फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एथलेटिक फॉर द सेशन विल बी डिसाइडेड अंडर एसटीसी स्कीम. द फैसिलिटी प्रोवाइड टू रेसिडेंटल एथलेटिक आर जो भी आवासीय एथलेटिक हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है एसटीसी स्कीम के द्वारा साइन ठीक है. तो फ्री लॉडिंग एंड फ्री डाइट. आपका जो खाना है वो आपको फ्री रहेगा ठीक है रहना आपका वहाँ पर फ्री रहेगा. एंड थर्ड है फ्री स्पोर्ट्स किट. स्पोर्ट्स किट जो है आपको फ्री मिलेगी. ये जहाँ पर फ्री फ्री लिखा है ये सारी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध होगी ठीक है. और कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर एक्सपेंस अप टू ये इसका 3000 पर ईयर ठीक है एनुअल यहाँ पर लिखा है 3000 पर ईयर आपका चार्ज लगेगा. एजुकेशन एक्सपेंस अप टू का 1000 पर एनुअल ठीक है 1000 चार्ज लगेगा यहाँ पर. साथ ही मेडिकल एंड इंश्योरेंस के लिए आपका 2246 रुपये पर ईयर ठीक है 2246 रुपये पर ईयर यहाँ पर चार्ज लगेगा. एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग बाय साई कोचेस ये वहाँ पर आपको जो है फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा जो भी इक्विपमेंट लगता है ट्रेनिंग जो है. आगे हम देखते हैं इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड टू नॉन रेसिडेंटल एथलेटिक डे बॉर्डर्स आर. जो नॉन रेसिडेंटल एथलेटिक हैं उनको जो फर्स्ट है स्टिपेंड ठीक है 500 रुपये पर मंथ इन अकॉर्डेंस विथ अटेंडेंस एंड मैक्सिमम अप टू 6000 पर एनुअल. जो गैर आवासीय मतलब आवासीय मतलब वहीं पर रह के ठीक है जो वहीं पर रहते हैं वो रेसिडेंटल में आ जाएंगे. नॉन रेसिडेंटल मतलब कि जो वहाँ पर रहकर नहीं जैसे कोई स्टेडियम में ही रहता है और कोई डेली घर से अप डाउन करता है प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम चला जाता है फिर आ जाता है तो उनके लिए जो है 500 रुपये पर मंथ या फिर 6000 रुपये एक साल का जो है चार्ज लगेगा. सेकेंड है फ्री स्पोर्ट्स किट वर्थ अस 4000 यहाँ पर चार्ज लगेगा एनुअल पर ईयर ठीक है. एंड कंपटीशन एक्सपोजर एक्सपेंस अप टू के लिए 3000 एनुअल एंड मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 2246 रुपये पर एनुअल.
ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें फोर हॉकी, वी हैव लूज ग्री हॉकी, प्लेफील्ड एंड अल्ट्रोल्फ फेंसिंग, विल हैव हग हॉल फॉर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस अलोंग विथ लेटेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड साइंटिफिक बैकअप ऑफ NIS एक्सपर्ट, नवीनतम खेल उपकरणों के साथ, ठीक है। प्रशिक्षण अभ्यास के लिए विशाल हॉल वहाँ पर है, कहाँ पर, पटियाला जो साइंस सेंटर है पटियाला का वहाँ पर, साथ ही NIS विशेषज्ञों का भी वहाँ पर आपको जो है, जो NIS के एक्सपर्ट है जो आपको प्रशिक्षण देते हैं, कोर्स साइंटिफिक बैकअप तकनीक, जो आधुनिक तकनीक है उसके थ्रू आपको वहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन विलिंग टू अटेंड द सिलेक्शन ट्रायल्स शुड रिपोर्ट एट साई ट्रेनिंग सेंटर पोलो ग्राउंड पटियाला। आपको जो है चयन ट्रायल्स के लिए भाग लेने वाले जो भी इच्छुक खिलाड़ी हैं, वो जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आपको कहाँ जाना है, तो साई ट्रेनिंग सेंटर पोलो ग्राउंड पटियाला में आपको उपस्थित होना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है, फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो कि ऊपर हमने बताया उसमें से अगर आपके पास जो भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट है वो, एंड चार पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। फॉर फर्दर डिटेल रिगार्डिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर न्यू इंडिकेशन इन STC स्कीम, आप इस ईमेल आईडी से आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सिलेक्शन ट्रायल्स की और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप जो है अपने जितने भी प्लेयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ICC Physical Education, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप जो है हमें मैसेज करें कि हम आपकी YouTube फैमिली से हैं, तो आपकी जो मैसेज रिक्वेस्ट है एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर ली जाएगी। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन के पास में ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दिखेगा, वहाँ से आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।